ग्रीटिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश वर्ल्ड एंड मोटिवेशन पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बड़े डिटेल से मैं हिंदी और इंग्लिश के एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि ये आपके बिल्कुल जो मैं जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच कराऊंगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी वो समझ आएगी 100%, क्योंकि मैं इतनी ईजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल आपके समझ आएगी। तो आइए चलते हैं अपने फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो कम ऑन, तो आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, पहले तो हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड, यानी क्या है ये, इट इज अ वर्ड और फ्रेज। क्या है, फ्रेज है या वर्ड है, That is used in non-literal way to create an effect. बड़ी अच्छी डेफिनेशन है और इजी डेफिनेशन है। क्या कहा है सर, इसको पहले हम समझते हैं, इसकी हिंदी समझते हैं, इसने क्या कहा है। ठीक है, क्या कहा है, इसको हम एक प्रकार से अलंकार बोलते हैं, अलंकार वाली भाषा है ये। ठीक है, तो क्या है, a figure of speech is a word, एक ये word है या फिर वो phrase है, या तो word बोलेंगे या phrase भी। Okay, group of words which give sense but not completion. That is phrase. तो क्या है, एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज है, दैट इज यूज इन नॉन लिटरल वे, जिसको हम नॉन लिटरल वे का मीनिंग है यहाँ पे, मतलब एक जो साहित्य के तौर पे लिटरली वे पे जो एक सेंस देता है, टू क्रिएट एन इफेक्ट, इफेक्ट डालने के लिए, मतलब उसकी सेंस तो कोई और होगी, लिटरल वे से मीनिंग कुछ और निकलेगा, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे मैं ये कहूंगा मोहन इज अ ऑक्स, मोहन एक ऑक्स है। क्या मोहन एक ऑक्स है, मान लो मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिख दिया कि मोहन इज एन ऑक्स, मान लो मैंने लिख दिया मोहन इज एन ऑक्स, मोहन एक ऑक्स है, बैल है। क्या मोहन एक बैल है, नहीं, मोहन तो इंसान है, लेकिन मैंने उसको ऑक्स बोला है, तो क्यों बोला। अब यहां पर बात करने में कोई गहरा राज है। ओक्स का जो सिंबल है यहाँ पे, ओक्स का सिंबल क्या है कि ओक्स मीन होता बैल, कि बैल, बैल का सिंबल यहाँ पे क्या है कि मेहनती। मैं कहना चाहता हूं कि मोहन बहुत मेहनती है। ठीक है, एक आपके 10th क्लास में आपने कभी देखा होगा तो कि वर्ड ये सेम आया था, लेंचो। ठीक है, लेंचो एक करेक्टर है वहां पे। ठीक है, ये शायद 10th क्लास की बुक में है, उसमें ये सेम वर्ड आया था, लेंचो इज एन ओक्स, लेंचो एक बैल है। इसका मतलब क्या है, ही से वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती है वो। ठीक है, तो इसलिए हम देखिए, हमने उसको लेंचो को या मोहन को हमने उसको ओक्स माना है, तो ओक्स तो नहीं होगा ना। इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट है। लिटरल वे से तो हम कहेंगे मोहन एक ओक्स है, मोहन एक बैल है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या है, मोहन इज अ लेबोरियस, तो मीनिंग कुछ और होगा, अर्थ कुछ और निकलेगा उसका, लिटरल वे कुछ, हिंदी कुछ और बनेगी उसकी, लेकिन मीनिंग कुछ और निकलेगा। दैट इज फिगर ऑफ स्पीच, क्लियर, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए, हम ये मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया था, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम चलते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, फिर इसी एग्जाम्पल को, चलो मैं यहां समझाता हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं फिर दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, अब बात करते हैं हम टाइप्स की। देखिए, देयर आर द मेनी टाइप्स, मैं कोई काउंटिंग तो नहीं बताऊंगा, काफी टाइप्स है इसके, तो धीरे धीरे देख लें क्योंकि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसके टाइप्स। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट करेंगे हम सिमिली, पहले पहले सिंपल कर लेते हैं सिमिली। सिमिली क्या है, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द टू इसेंशियल दिस सिमिलर ऑब्जेक्ट और द कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट हो सकता है कंसेप्ट, आर कंपेयर, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, और यहां पे मैं कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ विद एज और लाइक, ये और ऐड कर देते हैं विद एज और लाइक, एज और लाइक के साथ। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं, उधर तक कवर है जो मैंने लिखा है वर्ड, ठीक आ रहा, वहां तक कवर चल रहा है, एज और लाइक यहां तक है, एज और लाइक, एज और लाइक का यूज करके जब हम कंपेयर करते हैं, दैट इज सिमिली। ठीक है, सिमिली के क्या है, सिमिली जब इसको भी हम बेसिक हम आसान बनाने के लिए, मान लो इसेंशियल को भी हम काट दें और थोड़ा इजी हो जाएगा, ये देखिए
A simile is a figure of speech in which two dissimilar things, similar नहीं होंगे, dissimilar, अलग अलग चीज होंगी, उन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वो कंसेप्ट हो सकता है, आलियाज हो सकता है, आर कंपेयर, उसको हम कंपेयर करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे विद एज और लाइक, एज और लाइक की तरह। मालूम है यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, लेंचो, मालूम है इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे सिमिले का, लेंचो इज लाइक अ ऑक्स, मानो एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, लेंचो इज लाइक अ लाइक एन ऑक्स। अब देखो ध्यान से, मैंने एन ऑक्स लिखा, अब यहां पे जो लाइक वर्ड आया ना, अब लेंचो की जो कंपैरिजन किससे की है, लेंचो की जो कंपैरिजन की है वो ऑक्स से की है, लेंचो एक ऑक्स की तरह है, तो ये क्या होगा, दैट इज सिमिली, ये सिमिली हो गया, क्यों, क्योंकि तो जहां पे कंपैरिजन होगा दैट इज सिमिली, ठीक है, तो कंपैरिजन, और या फिर मैं कहूंगा लेंचो इज एज अ, मालूम है दूसरा एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं, चलो इसको तरफ कर देता हूं, ऊपर से कर देता हूं चलो, और यहां पे मैं लिखता हूं आपको एक एग्जांपल और, क्योंकि ऊपर से हम रफ करते रहेंगे और थोड़े एग्जांपल मैं आप और आपको देता रहूंगा। मैं ये कहूं कि हर स्माइल इज लाइक अ मून, ठीक है, मैंने कहा कि हर स्माइल इज लाइक अ मून, उसकी स्माइल एक मून के जैसी है, चंद्रमा के जैसी है, ठीक है, उसकी स्माइल एक चंद्रमा के जैसी है। तो अब यहां पे हम जो लाइक जो यूज किया, या फिर मैं कहूंगा एज अ मून, ठीक है, लाइक और एज मैं यूज करूंगा जब कंपैरिजन करूंगा, मैंने इसकी स्माइल की कंपैरिजन किससे की है, मून से की है, तो दैट इज सिमिली, और विद द वर्ड ऑफ लाइक और एज, जब लाइक और एज के साथ मैं कंपैरिजन करूंगा इसी दो डिसिमिलर थिंग का, तो वो सिमिली हो जाएगा, क्लियर, दैट इज सिमिली। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा मेटाफर, ठीक है, मेटाफर, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एक मेटाफर जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू नॉन सिमिलर थिंग, इसकी और इसकी हम डेफिनेशन सेम कर सकते हैं, दोनों सेम है, बस इसमें हम क्या करेंगे, विदाउट यूज ऑफ एज और लाइक, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, विद हैज और लाइक, एज और लाइक के साथ, इसमें हम क्या करेंगे, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक द कंपैरिजन बिटवीन द टू नॉन सिमिलर थिंग, बिटवीन द टू नॉन सिमिलर थिंग विदाउट द हेल्प, विदाउट हेल्प ऑफ एज और लाइक, एज और लाइक नहीं लगाएंगे। अब आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहां सेम लिखता हूं जो मैंने पहले लिखा था, यहां पे देखिए मैं सेम एग्जाम्पल यहां पे देता हूं एक क्लैरिफाई करने के लिए, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा है, किसी लेंचो का लेते हैं, लेंचो इज एन ऑक्स, ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में था सेम, और वो थोड़ा हाँ ऑथेंटिक होता है, वो देखने में थोड़ा याद रिमाइंड आ जाती है बच्चे की, हाँ मैंने वहां पर यह पढ़ा था। तो लेंचो इज एन ऑक्स, लेंचो क्या है, एक ऑक्स है। अब मैं यहां पे अगर इसको एन ऑक्स करूंगा तो ये हो जाएगा यहां पे मेटाफर, ठीक है, मेटाफर। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं, लेंचो इज लाइक एन ऑक्स, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये बन जाएगा सिमिली, ठीक, क्या बन जाएगा, ये सिमिली, बस इतना सा फर्क, सिमिली और मेटाफर दोनों सेम है, अगर हमने लाइक और एज का यूज कर दिया तो वो सिमिली हो जाएगा, विदाउट लाइक और एज कर दिया तो ये मेटाफर हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, दोनों में कंपैरिजन है ना, दोनों में डिसिमिलर थिंग में कंपैरिजन है, बस फर्क क्या है, उसमें लाइक लगा देंगे सिमिली में, लाइक और एज, मेटाफर में लाइक और एज नहीं लगाएंगे, सीधा ही ऐसे कर देंगे, लेंचो इज एन ऑक्स, क्लियर, ऐसे कर देंगे। मान लो मैं कहूंगा कि रामू इज लोयन, रामू एक शेर है, तो क्या रामू शेर है, नहीं, रामू एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है वो,
हम बोलते हैं ना आइए मेरे शेर इधर आ जाओ, हम किसी को बोलते ना अरे तुम तो शेर हो शेर, इट्स मीन देयर इज अ मेटाफर, ठीक है। कंपैरिजन की हमने रामू कंपैरिजन किससे की है, शेर से। अगर इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूं रामू इज लाइक आलोइन, एक शेर की तरह है, ये सिमिलर हो जाएगा। या फिर एज लगा दूं या लाइक लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो दैट इज मेटाफर ऑफ सिमिलर। तो मेरे हिसाब से इतना डीपली समझाया आपको तो आपको समझाया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं हम इसमें हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या है, अब इसमें देखो, इसको बड़े आराम से समझाऊंगा जी। वैसे देखिए, इन दिस इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर शोन एज अ ह्यूमन बीइंग। इन एनिमेट क्या होता है, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स, क्या बोलते हैं इसको, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, आर शोन, वो ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो ह्यूमन बीइंग हो, जैसे ह्यूमन बीइंग हो, आर शोन एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल द एटीएम डाइट, मालूम एटीएम को भी मरता नो, मालूम एग्जाम्पल यहां पे लिखा, मालूम मैंने यहां पे ये लिखा, मान इस एग्जाम्पल को मैं क्लियर यहां कर देता हूं, यहां लिख देता हूं मालूम इसकी एग्जाम्पल को पर्सोनिफिकेशन के, आई वेंट टू बैंक, बट एटीएम इज डाइट, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा आई वेंट टू बैंक बट एटीएम इज डाइट, मैं बैंक पे गया लेकिन एटीएम खराब था, डाइट मतलब यहां पे मरना नहीं है, वो खराब था, है ना। अगर देखो सैंतरी के लिए मैं बैंक में गया और एटीएम मर गया था, एटीएम मरता है नहीं। अब ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको क्या दिखाया गया है, एज अ ह्यूमन बींग दिखाया गया है ना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, क्लियर। अब जैसे ये है इन मॉर्निंग, माय अलार्म येल्ड, एट 4 AM, ठीक है, एट 4 AM। अब यहां पे येल्ड मतलब चिल्लाना होता है, क्या अलार्म चिल्लाता है, नहीं वो आवाज करता है, दैट इज ए इंस्ट्रूमेंट, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है वो, है ना। तो उसको क्या दिखाया गया, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं कि आई वेंट टू गार्डन, है ना, ऑल फ्लावर स्माइल टू सी मी, आपने पोइम में देखा क्या फ्लावर स्माइल करते हैं, नहीं करते ना, लेकिन उसको ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, है ना। और कवि जैसे हिंदी की कविताएं होती हैं, उसमें कवि कहता है कि लताएं जो है वहां पर ऐसे ऊपर नीचे जा रही थी, लताएं, क्या लताएं ऐसे जाती हैं, नहीं जाती ना। तो हम जो है जैसे एक एनिमेट ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाते हैं, निर्जीव चीजों को दिखाते हैं जैसे कि वो आदमी हो, है ना। तो दैट इज जैसे एक समुन्द्र की लहरें दौड़ रही थी, क्या वो दौड़ती है, नहीं दौड़ती, इंसान दौड़ता है, है ना, पशु पक्षी दौड़ते हैं, लिविंग थिंग दौड़ती है। तो दैट इज द पर्सोनिफिकेशन, क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया गया होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल मिलेगा, कंप्यूटर वर्क वेरी हार्ड, मालूम मैं ये यहां पे लिख दूं कि माय कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, मेरा कंप्यूटर बहुत मेहनत करता है, क्या मेहनत करता है, तो मशीन है वो, तो हम चलाते हैं उसको, चलती रहेगी, मालूम ये लाइट है हमने जला दी, जलती रहेगी, ओके। हार्ड वर्क क्या करना, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हमने शो किया एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, क्लियर। नेक्स्ट है पैराडॉक्स, जिसको विरोधाभास बोलते हैं, पैराडॉक्स, ठीक है। तो पैराडॉक्स में हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर से रफ करके थोड़ा सा आपको यहां समझा देता हूं। पैराडॉक्स में देखिए, पैराडॉक्स इसको भी मैं क्लियर ही कर देता हूं क्योंकि हमने क्लियर कर दिया था। और अब एक रह गया हमारा पैराडॉक्स, जिसको विरोधाभास बोलते हैं। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर एट द फर्स्ट टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी बट अपॉन रिफ्लेक्शन मेक्स सेंस। अब ध्यान से देखिए,
पैराडॉक्स क्या है? एक स्टेटमेंट है दैट अपीयर एट द फर्स्ट, पहले देखने में तो ऐसी लगेगी, एट फर्स्ट मतलब पहले क्या लगेगी, टू कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल अपोजिट है, क्या लगेगी वो अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है अपोजिट, बट अपॉन रिफ्लेक्शन, बट ऑन द रिफ्लेक्शन देखने में क्या लगेगी, मेक द सेंस, वो सेंस बनाएगी, है ना। कैसे, जैसे लेस इज मोर, वन एग्जाम्पल मैंने लिखा लेस इज मोर, मालूम हो ऊपर समझा देता हूं, लेस इज मोर, कम ही ज्यादा, लेस इज मोर, पहले तो आप कम कह रहे हो फिर ज्यादा कह रहे हो, लेकिन उसमें गहरा आ चुका है, लेस इज मोर। मालूम खाने की बात करें, अगर हम कम खाना खाएंगे तो बॉडी हमारी बेटर रहेगी, हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज लेस इज मोर, कि कम खाओ है ना और हेल्दी रहो तो हमें ज्यादा एनर्जी देगा वो। मैंने वैसे एग्जांपल दिया उसका, तो लेस इज मोर, इसमें गहरा आ चुका हुआ है, लेस इज मोर भी थोड़ा ही बहुत है ना। एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लो मैं कहूं कि मान लो कई बार ये हमारी कल्चर में कहावत होती है कि घर की आधी जो होती है और बाहर की पूरी बराबर होती है, मीन टू से अगर बात करें कि घर की आधी रोटी बाहर की पूरी रोटी के बराबर होती है, उससे भी ज्यादा होती है, तो दैट इज वाई लेस इज मोर, आपने कहीं बुजुर्गों से कहावत सुनी होगी, तो दैट इज वाई इट इज सेड लेस इज मोर। अब नेक्स्ट मान लो क्या एग्जाम्पल रहेगा, मोर स्पेंड मोर गेट, मोर स्पेंड मोर गेट, ज्यादा स्पेंड करो ज्यादा गेट करो। अब मोर स्पेंड, अगर हम ज्यादा स्पेंड कर देंगे तो मोर गेट हम ज्यादा कैसे प्राप्त करेंगे, लेकिन दरिद्रता क्या है ये कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन दिस इज रियलिटी, दिस इज पैराडॉक्स। मोर स्पेंड, हम ज्यादा अगर स्पेंड खर्च करें, मतलब हमारा कोई बिजनेस है, हम बिजनेस में जब ज्यादा पैसा लगाएंगे उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम ज्यादा आएगी, है ना। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लो आपको 1000 रुपीज है, या मान लो एक 1 लाख रुपीज है, 1 लाख है, 1 लाख का अगर मान लो आपने कहीं लगाए हैं 1 लाख रुपीज, मान लो उसका 1% इंटरेस्ट है या 2% इंटरेस्ट है, तो मंथली आपको 2000 आते रहेंगे, आएगा। अगर आपने 10 लाख लगा दिए, यहाँ पे 10 लाख लगा दिए तो कितने आएंगे आपको, मेरे हिसाब से 20,000 रुपये आएंगे आपके, आएंगे ना। तो इसमें क्या कि मोर स्पेंड मोर गेट, ज्यादा लगाओ मोर स्पेंड मोर गेट, ज्यादा पाओ, ठीक है, दैट इज पैराडॉक्स। अगला एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, द लाउडर यू हियर, लाउडर यू आर, द लेस दे हियर, तुम जितना ज्यादा जोर से बोलोगे उतना लोग आपको कम सुनेंगे। कर ऐसा कैसे, मैं जोर से बोलूंगा तो वो जोर से सुनेंगे, नो, इसमें गहरा राज छुपा हुआ है, दैट इज पैराडॉक्स। इसमें क्या कहा कि लाउडर यू आर, कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, लोग सुनते तो हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, उनकी बात की तरफ कम ध्यान दिया जाता है, जो लोग आराम से बोलते हैं लोग उनकी बातों को सुनते हैं, दैट इज पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, मतलब बात अपोजिट होती है लेकिन उसमें गहरा राज छुपा होता है, बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। देखो लेस मोर स्पेंड गेट, और इसमें क्या लिखा, लाउडर और लेस हियर, लाउडर यू आर और लेस हियर, तो एक दूसरे अपोजिट है, बट देर इज ए डीपर सेंस इनसाइड दैट, दैट इज पैराडॉक्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।